आज की वीडियो में हम लोग जिस मूवी को कवर करने वाले हैं वो मूवी इतनी ज्यादा लीथल है कि अगर उसे देख के आपके रोंगटे खड़े नहीं हुए तो भले ही मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर देना। मैं ये श्योरली कह सकता हूँ कि आपको ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड तक देखना वीडियो को। मूवी की स्टार्टिंग में गाइज हम लोग देखते हैं बच्चे को जिसका अभी अभी जन्म हुआ था और यहाँ पर एक पुजारी उसे देख रहा था चारों तरफ से ताकि उसे वो कोई खराब तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक प्रथा थी कि जो बच्चा खराब होता था कोई लूला लंगड़ा होता था तो उसे वहाँ पर मार दिया जाता था। हम लोग कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अभी बच्चा बड़ा हो जाता है और यहाँ पर उसकी एक ट्रेनिंग चल रही थी। इस ट्रेनिंग को करवाने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग एक स्पार्टा देश में रहते हैं जहाँ पर इन्हें सिखाया जाता है कि जंग में कैसे लड़ा जाता है और मुश्किल परिस्थितियों में भी कैसे जिंदा रहा जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस बच्चे को जो कि एक जंगल में से भेज दिया गया था बर्फीली रात में, जहाँ पर इसका सामना एक भूखे भेड़िए से होता है। अब ये लड़का उस भूखे भेड़िए से इतनी अच्छी तरह से लड़ता है और उसे मार गिराता है। हम लोग देखते हैं जैसे ही ये लड़का अपने घर आता है तो इसको एक राजा बना दिया जाता है। इस लड़के का नाम होता है लियोनाइटस। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक दूत आता है दूसरे देश से जिसकी बातें जो होती है लियोनाइटस को पसंद नहीं आती तो उसे मरवा देता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो उस दूत ने बातें कही थी वो बात ये थी कि उनका जो राज्य है वो यहाँ पर लियोनाइटस के राज्य स्पार्टा पर कुछ दिनों में हमला करने वाला है और यहाँ पर वो उसकी सारी औरतों को सारे बच्चों को बंदी बना लेगा और उसकी जो भी औरतें हैं उनसे एक एक बच्चा पैदा करेगा। ये बात लियोनाइटस को पसंद नहीं आती। लियोनाइटस इस बारे में सोच ही रहा होता है तो वहीं पर वो रात को कुछ पादरियों के पास जाता है इस बारे में डिस्कस करने के लिए जो कि उसके देश के पादरी थे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो लोग लियोनाइटस से कहते हैं कि हमें ओरेकल से बात करनी होगी जो कि कुछ खूबसूरत लड़कियां थी जो कि देवताओं से कॉन्टेक्ट कर सकती थी। यहाँ पर वो लोग कहते हैं लियोनाइटस से कि तुम्हें बहुत सारा सोना देना पड़ेगा इसके बदले, तो लियोनाइटस उन्हें बहुत सारा सोना दे भी देता है। पर यहाँ पर जो पादरी होते हैं उन्हें ये सब चीज पसंद नहीं आती क्योंकि वो सोना जो था वो बहुत ही ज्यादा कम था, पर वो फिर भी किसी तरह से मैनेज करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम उस जंग में लड़ोगे तो तुम्हारा जो देश है स्पार्टा वो खत्म हो जाएगा। इस बात को सुनकर जो लियोनाइटस होता है उनकी बातों से इनकार करता है कि ऐसा नहीं हो सकता, पर फिर भी लियोनाइटस इस बात को नजरअंदाज करके अपने घर वापस चला जाता है चटपटा था, क्योंकि यहाँ पर दूसरे देश का जो राजा था वो यहाँ पर आया हुआ था और यहाँ पर थेरोन भी था लियोनाइटस का एक सेनापति। यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो सेनापति जेरजिस के सेना के साथ मिला हुआ था और जो चाहता था कि जो लियोनाइटस है वो खत्म हो जाए, उसकी सारी जो संपत्ति है वो मेरी हो जाए। यहाँ पर हम अगले सीन में देखते हैं लियोनाइटस अपनी वाइफ के साथ होता है, उसके साथ वो इंटीमेट होता है। तभी दोस्तों अगले सीन में हम लोग देखते हैं लियोनाइटस उस दूसरे देश पर हमला करने के लिए 300 लोगों की एक छोटी सी टुकड़ी बनाता है। यहाँ पर उस सेनापति थेरोन को देखते हैं जो कि अपने कुछ सांसदों को लेकर वहां पर आता है। ये लोग यहाँ से निकल ही रहे होते हैं तभी यहाँ से हम लोग देखते हैं एक कुबड़े आदमी को जो कि इन लोगों को देख रहा होता है। लियोनाइटस उन सांसदों से बच के निकल आता है। ये लोग यहाँ से एक गांव में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी तबाही फैली हुई थी। यहाँ पर इन लोगों को एक लड़की मिलती है जो कि लियोनाइटस की गोद में आके मर जाती है। ये सब देखकर लियोनाइटस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में ही वहाँ से निकल आता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं लियोनाइटस एक ट्रेंच पे खड़ा था, वहाँ पर उनके जो अपोजिट जो सैनिक थे यानी कि जिनसे उनकी लड़ाई होने वाली थी वो पानी के जहाजों में थे। वहीं तभी वहाँ पर एक तूफान आ जाता है और वो जहाज वहीं पर डूब जाते हैं जिससे कि वो जो अपोजिशन था वो सब लोग मर जाते हैं, जिसे देखकर वो सभी लोग यानी कि स्पार्टा के लोग खुशी मनाने लगते हैं पर वहाँ पर जो लियोनाइटस था वो शांत था। यहाँ पर हम देखते हैं अगले सीन में ये लोग ट्रेंच के दूसरी तरफ झांकते हैं तो देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी सेना खड़ी थी उनकी अपोजिट टीम की ही। तभी हम यहाँ पर उस कुबड़े आदमी को देखते हैं जो कि लियोनाइटस से कहता है कि मैं तुम्हारी सेना में भर्ती होना चाहता हूँ, पर लियोनाइटस उसकी जो फिजिकल एबिलिटीज थी उन्हें देखकर उससे मना कर देता है और वो कुबड़ा नाराज हो जाता है और अपने सारे कपड़े अपनी ढाल और अपने भाले को वहीं नीचे फेंक देता है लियोनाइटस के जाने के बाद। हम लोग देखते हैं उनकी जो अपोजिट टीम थी लियोनाइटस की वो यहाँ पर उनसे हमला करने लगती है। वो जर्जिस की सेना होती है और जो कि उसे मार देती है। यहाँ पर हजारों की संख्या में ये लोग उन लोगों को मार देते हैं और यहाँ पर जब उनकी जीत होती है तब यहाँ पर जर्जिस आता है लियोनाइटस से बात करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि जर्जिस कौन था। जर्जिस एक बुरा देवता था जो कि चाहता था कि जो स्पार्टा है वो उसके आगे पैर झुकाए। यहाँ पर जो जर्जिस होता है वो भी लियोनाइटस से यही बातें कहता है, पर लियोनाइटस एक दिलेर आदमी था और वो उसकी बातों को इनकार करके उसकी एक भी बात को नहीं मानता। जर्जिस लियोनाइटस से कहता है कि तुम मेरे आगे घुटने टेक दो तो सारे जितने भी राजा हैं वो सब तुम्हारे आगे घुटने टेक देंगे, पर लियोनाइटस उसकी बात को नहीं मानता। जर्जिस लियोनाइटस को डराने की भी कोशिश करता है पर फिर भी लियोनाइटस उससे नहीं डरता। वो सच में एक बहुत ही ज्यादा दिलेर आदमी था। अब हम देखते हैं लियोनाइटस जर्जिस की सारी बातों को इनकार करके वहां से चला जाता है। अगले सीन में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जर्जिस एक सेना को लाता है जो कि इंसान नहीं थे। ये लोग यहाँ पर लियोनाइटस की सेना को मारने के लिए आए हुए थे
यहाँ पर देखते लियोनाइटस इन सभी सेना को मार देता है, पर इनमें एक दरिंदा था जो कि जर्जिस की सेना में था, जो कि बहुत ही ज्यादा खूंखार था, पर लियोनाइटस उसका भी गला काट के इन सभी लोगों को मार देता है। जिसके बाद ये सब लोग इनके लियोनाइटस की सेना रात को जश्न मनाती है, पर लियोनाइटस सिर्फ अकेला था जो जश्न नहीं मना रहा था। उसे यहाँ पर कुछ उम्मीद दिख रही थी अपनी सेना को जर्जिस के खिलाफ जीतते हुए। अगले दिन जर्जिस एशिया के कुछ जादूगरों को लाता है अपनी सेना में और कुछ जानवरों को भी लाता है, जिससे कि जो लियोनाइटस की जो सेना होती है उसमें उसके सेनापति का एक बेटा मर जाता है। पर यहाँ पर जो लियोनाइटस की सेना होती है वो उस जंग में फिर से जीत जाती है, पर लियोनाइटस की जो सेनापति होता है उसका एक बेटा मर जाता है, जिससे कि दो दोस्तों जो वो लोग होते हैं वो रात को जश्न नहीं मनाते। वहीं दूसरी तरफ अपने आप को देवता कहने वाला जर्जिस बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है अपनी हार से और अपने ही सेनापतियों को मरवा देता है। अब हम लोगों को वही सेनापति दिखाया जाता है जिसका बेटा मरा था, और यहाँ पर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है उस कुबड़े आदमी को जो कि स्पार्टा का ही आदमी था। वो देशद्रोही था और क्योंकि वो जर्जिस के पास जा रहा था, जर्जिस उससे कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए, दौलत, औरत और तुम्हें जो भी अपना सामान चाहिए मैं वो तुम्हें दूंगा, क्योंकि स्पार्टा के लोग तो बहुत बुरे हैं जिससे उन्हें तुमने निकाला। पर यहाँ पर जो कुबड़ा होता है वो उससे कहता है कि मुझे अपना सम्मान चाहिए, औरत भी चाहिए और दौलत भी चाहिए, इसके बदले बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो जर्जिस उससे कहता है कि मुझे वो दूसरा रास्ता चाहिए जिससे कि स्पार्टा के सैनिक यहाँ पर आने वाले हैं लियोनाइटस के साथ मेरी सेना से हमला करने के लिए। तो यहाँ पर वो उस बात को मान जाता है और इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन हो जाता है। इसके बाद हम लोग थेरोन को देखते हैं जो कि यहाँ पर लियोनाइटस की वाइफ से मिलता है। लियोनाइटस की वाइफ वहाँ पर सांसद में आती है और सब लोगों से हेल्प मांगती है कि हमें सैनिक चाहिए लियोनाइटस की हेल्प के लिए ताकि हम लोग जीत पाए। यहाँ पर हम लोग थेरोन को देखते हैं जो कि उसी रात यहाँ पर लियोनाइटस की वाइफ से मिलने के लिए जाता है। लियोनाइटस वाइफ थेरोन से कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो लियोनाइटस का जो सेनापति होता है थेरोन वो उसकी वाइफ से कहता है कि तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए। तो आप लोग भी सही समझे, वो यहाँ पर उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, जिसकी बात को यहाँ पर लियोनाइटस की वाइफ भी मान जाती है और वो उसके साथ रात को इंटीमेट होती है। पर मैं आपको बता दूं, ये सब थेरोन की एक चाल थी जो कि जर्जिस से मिला हुआ था। ये आपको अगले सीन में पता पड़ेगा। हम लोग अब अगले सीन में देखते हैं जिसमें कि लियोनाइटस की वाइफ सांसद में आती है हेल्प के लिए, पर यहाँ पर हम कुछ अलग ही देखते हैं। थेरोन यहाँ पर उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा देता है कि उसने यहाँ पर थेरोन के साथ कुछ गलत किया है, जिसकी बात सुनकर वो रानी जो होती है वो गुस्से में आ जाती है और थेरोन के ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि थेरोन की जेब से बहुत सारे जर्जिस के सोने के सिक्के मिलते हैं, जिससे कि वहाँ पर सांसद में बैठे सभी लोगों को पता पड़ जाता है कि वो जर्जिस का ही चेला था और उसके साथ मिला हुआ था। अब यहाँ पर जो रानी की बात होती है वो सबको सही लगती है और वो सेना की तैयारी करती है। यहाँ पर हम उसी कुबड़े आदमी को देखते हैं जो कि जर्जिस की सेना को वो तीसरा रास्ता दिखा देता है, और जर्जिस की सेना यहाँ पर लियोनाइटस की सेना को चारों तरफ से घेर लेती है। ये बात जैसे ही लियोनाइटस की सेना के एक आदमी को पता पड़ती है वो ये बात लियोनाइटस को बताता है, और अपनी सेना को जो कि एक छोटी सी टुकड़ी थी, 300 लोगों में से 50 लोगों की जो टुकड़ी होती है वो उसकी सेना होती है, और वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। लियोनाइटस इस बात को बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम चले जाओ, हम 250 लोग ही इस पूरी जीत को अकेले ही जीत सकते हैं। क्योंकि लियोनाइटस को पता लग गया था कि ये शायद उसकी आखिरी जंग हो सकती है, तो लियोनाइटस अपनी सेना को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और उनमें से ही एक आदमी को बुलाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें वापस जाना होगा और घर जाकर सभी लोगों को बताना होगा कि हम लोग कितनी बहादुरी से लड़े। अब वो आदमी अब लियोनाइटस से कहता है कि रानी के लिए कोई संदेश तो नहीं देना महाराज, तो महाराज उसको एक लॉकेट दे देता है और कहता है कि ये रानी को दे देना। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं लियोनाइटस की जो टुकड़ी होती है कुछ लोगों की, वो यहाँ पर जर्जिस की सेना के सामने आती है। जर्जिस का एक सेनापति लियोनाइटस के सामने आता है और कहता है कि तुम्हें हमारे आगे अब सिर झुकाना होगा। वह जब यहाँ पर लियोनाइटस को और कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा था, वो जो सेनापति होता है जर्जिस का, वो लियोनाइटस से कहता है कि तुम्हें मेरे सामने और हमारे राजा के सामने भी अपने सिर और पैर झुकाने होंगे। तभी वहाँ पर वो कुबड़ा आदमी आ जाता है जो जर्जिस की सेना में मिल चुका था, जिसे देखकर लियोनाइटस भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कुबड़ा लियोनाइटस से कहता है कि तुम्हें हमारे सामने अब झुकना ही होगा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं लियोनाइटस को वो रात याद आती है, वो बर्फीली रात जिसमें उसने उस भूखे भेड़िए का सामना करा था। पर लियोनाइटस उनकी बातों को मान लेता है और अपने कवच और अपनी ढाल उतार के उन सभी लोगों के सामने घुटने झुका देता है। अब जैसे दोस्तों लियोनाइटस झुकता है तो उसे अपनी बीवी के साथ बिताए हुए, उस रानी के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ जाते हैं और वो एकदम से होश में आकर अपने ही एक सेनापति से कहता है कि बाहर निकलो और इसको मारो। तभी वहाँ पर एक आदमी बाहर निकलता है उस टुकड़ी से और उसके सेनापति को यानी जर्जिस के सेनापति के ऊपर भाला चला देता है, उसे मार देता है। तभी यहाँ पर हम लियोनाइटस को देखते हैं जो कि अपना भाला उठाता है और वहाँ पर वो जर्जिस के ऊपर उसे पूरी जान लगाकर फेंकता है, जो कि जर्जिस के गले से यहाँ से निकल के आता है, जिससे कि जर्जिस का बहुत सारा खून निकलता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे तीर चलते हैं और लियोनाइटस की सारी सेना वहाँ पर मर जाती है। यहाँ पर लियोनाइटस सिर्फ एक ही चीज चाहता था, अपने उस आदमी से जिसने उसको रानी के पास भेजा था
कि हमारी जो वीर गाथा है वो हमारा जो पूरा साम्राज्य है वो हमारी वीर गाथा को सुने और उनके अंदर भी पूरा मोटिवेशन हो अपने देश के लिए। अब हम उसी सैनिक को देखते हैं जिसको लियोनाइडस ने संसद में भेजा था। वो आदमी यहाँ पर 10,000 सैनिकों के साथ खड़ा था, उसको लियोनाइडस की वीर गाथा सुना रहा था। यहाँ पर दोस्तों कुछ इसी तरह से ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।